अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाए विजय पर्व। जय हिंद। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। आज हम सभी यहां इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अंतर्गत आयोजित विजय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने जिस अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, वो हर एक भारतवासी के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय रहा है। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। साथियों, इस आयोजन के लिए मंत्रालय को जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे अवसरों पर हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के संकल्प को दोहराते हैं। यह आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का निर्णय हुआ था, मगर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी तथा 11 अन्य हमारे बहादुर जवानों के निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे और एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह, इसमें बेंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं वह जल्दी स्वस्थ होकर वह बाहर आए और अपने दायित्व का निर्वहन करें। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। साथियों, आज के दिन मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह रेस उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।